सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट GDS की ऑफिशियल साइट पर आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इस ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 15/7 से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसमें 44,228 पद हैं और इसमें एंड डेट 5/8/2024 रखी गई है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर आएंगे आपके सामने इस टाइप का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और उन्हें वैलिडेट करना है। इसके लिए मोबाइल पर आपके एक OTP प्राप्त होगा। ईमेल को भी आपको इसी टाइप में वैलिडेट करना होगा, उस पर भी आपको एक OTP प्राप्त होगा। जैसे ही ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद में आपको सारी जो जानकारी है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से भर देनी है। तो यहाँ पर हम जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि OTP डालने आने में थोड़ा सा कभी कभी लेट भी होता है, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। जैसे आपका वैलिडेशन कम्प्लीट होगा तो आपकी स्क्रीन पर आपके जो OTP है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो वैलिडेशन है वो आप देखें कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो नाम है वो भर देंगे, उसके बाद में आपको उसका फादर नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, उसके बाद में जेंडर, उसके बाद में आपकी जो कम्युनिटी है OBC ST वो भरनी है, उसके बाद में आपने कहाँ से स्कूल पास किया वो भरना है और कौन से ईयर में किया, और उसके बाद में आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको इसमें फिलअप कर लेना है। तो ये सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, हमें थोड़ा वेट करना है। उसके बाद में आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इसमें आप देखें और भी जो जानकारी है वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद में अगर आपके डिजिबिलिटी का ऑप्शन है, जैसे कि आपके कोई विकलांगता है, तो वो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी विकलांगता बन रहा है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं सब कैटेगरी में, और उसके बाद में उसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमारा जो भी है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद में आगे के जो ऑप्शंस हैं वो हम आगे ट्राई देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो ऑप्शंस है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप काम कर रहे हैं या नहीं वो करना है। उससे पहले आपने जो स्टडी है वो 10th की आपने किससे की थी, तो हिंदी मीडियम, और उसके बाद में आप देखें एम्प्लॉय है या फिर नहीं, आपके पास जॉब है या नहीं वो यस नो करना है। उसके बाद में आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो ये आपको पहले ही 50 KB से जो साइज़ है उसके अंदर आपको पहले स्कैन करके रखना है, तो वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो आ जाएगी। इसे एक बार चेक कर लेना है और कंफर्म कर लेना है, जब सही हो तो यहाँ पर इसे राइट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका पहला जो स्टेप है वो कम्प्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको अपना जो सर्कल है वो चेंज करना है, राजस्थान कर दिया, उसके बाद में सबमिट करेंगे। उसके बाद में एक OTP आपके नंबर पर आएगा, वो OTP यहाँ लगाना, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज कर लेना जो भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैप्चा कोड है वो हम सही से दर्ज कर देते हैं और जो OTP है वो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको 10th की मार्कशीट और अपलोड के नाम पर सिर्फ आपको फ़ोटो साइन करना है। ये कम्प्लीट आपका मेरिट बेस्ड होगा, तो यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कैप्चा कोड है वो हमने फिलअप कर दिया है और जो OTP लगा दिया, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है कम्युनिकेशन और परमानेंट वो दोनों यहाँ पर हमें दर्ज कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एड्रेसेस हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद में आप देखें तो हमारे जितने भी डिटेल्स है, नॉर्मल सी सिटी, विलेज, पंचायत, मंडल और पिन कोड वो सारा यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो चेंज कर लेना है और उसके बाद में आप देखें तो आपका जो बोर्ड है वो आप जैसे चेंज करेंगे, रिजल्ट टाइप आपको चेंज करना है, आपको मार्क्स चेंज करने हैं। यहाँ पर आपको 10th में जो मार्क्स मिले वो इसमें फ़िलअप करने हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश में कितने नंबर मिले हैं वो आपको भरने हैं, उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी में कितने कितने नंबर आपको मिले हैं वो आपको भरने हैं। जो एक और सब्जेक्ट होता है जो कि ज़्यादातर संस्कृत होता है, बाकी आपके 10th की मार्कशीट में क्या है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, जो आपका एक और सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर लेते हैं संस्कृत, और यहाँ पर 100 में से जितने नंबर आए वो भर देते हैं। CGPA अगर लागू नहीं है तो इसे आपको खाली रहने देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जो भी मार्क्स है वो आपको सही से भर देने और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेने हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको अपना जो डिवीज़न है वो चूज़ करना है, उसके बाद में आपको यहाँ परफॉर्मेंस में जो भी कोड है
वो आपको लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप जितने भी प्रिपेयरनेस चाहे वो आप फिलअप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जहाँ का भी आपको प्रिपेयरनेस चाहिए कि इस पोस्ट ऑफिस में मेरे ये जॉब का ज़्यादा चांसेस हो, वो सारे कर देने हैं। उसके बाद में आपको आई हेयर भी डिक्लेयर और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर डिजेबिलिटी और वुमेन इस कारण से कोई फीस नहीं है, तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी 100 रुपये की फ़ीस है वो आप UPI के माध्यम से भर देंगे और उसके बाद में आपके भी सामने इस टाइप का जो फॉर्म है वो कंप्लीट आ जाएगा। इसको आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आशा करूँगा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट करें।